हाँ जी, अभी 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 कर पूछो कर गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसके बिना चल जाएगा काम। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी बता दीजिए मेरी आवाज जो है अभी ठीक है? जल्दी से बता दीजिए, अभी जो मेरी आवाज है बिल्कुल ठीक आ रही है? लेट्स क्रैक। हाँ जी यस, अभी आवाज ठीक आ रही है और बिल्कुल ठीक है, अभी आवाज आ रही है करण जी, और मैं इसके बिना जो है देख लूंगा, कोई इश्यू नहीं है ये पहले के बिना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, पहले ही जो है काफी समय आपका जो है मैं ले चुका हूं, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आज का दोस्तों जो विचार है, जल्दी से बोल देता हूं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यहां पर दोस्तों जो है कल वाला जो पीपीटी है वो आ गया। हाँ जी, तो अभी हम जो है शुरुआत करते हैं सेशन की। हाँ जी, तो दोस्तों सबसे पहले है जो विचार की बात कर रहे थे, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। तो दोस्तों जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, इसका हाँ जी, मैं देख लूं जो है अभी जो क्लास है, आई होप सो। कुछ आज कुछ ज्यादा ही तकनीकी कारण आ रहे हैं जिस वजह से जो क्लास है। हाँ जी, तो बस अभी कुछ ही पलों में हम आपके साथ है लाइव हो जाएंगे, और दोस्तों आज कुछ तकनीकी कारण ज्यादा ही हो गए। और हाँ जी, अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी क्लास की तरफ, हम अपने जो है दोस्तों जो है एजुकेशन की तरफ। हाँ जी, तो दोस्तों जो है रूट्स ऑफ एजुकेशन क्या दिखा रहे थे आप? हाँ जी, आ रही है आवाज? बिल्कुल, द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। तो दोस्तों जब रास्ता है जो हमारा शिक्षा, दोस्तों जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक जो हमारे जो प्रयास हैं हमारे वो बिटर ही रहते हैं, और जब दोस्तों उसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं, जब हम अपनी जो पढ़ाई है उनके एग्जाम्स के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो दोस्तों जो है सब कुछ सुनहरा हो जाता है, सब कुछ मीठा हो जाता है। और दोस्तों ये जो महान विचार है ये दिया था अरिस्टोटल ने। तो दोस्तों रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों जो है मैं जो है जल्दी से है क्लास स्टार्ट करता हूं, शायद कुछ जो है मिनट्स के लिए आपके कमेंट्स ना पढ़ पाऊं, तो जल्दी से है ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले गिरिराज जो स्पेशल है दोस्तों इस हफ्ते का, गिरिराज के क्योंकि हिमाचल से जुड़े काफी क्वेश्चंस हैं इसमें आए हुए हैं तो वो पढ़ते हैं, तो मैं जल्दी से इनको पढ़ देता हूं। सबसे पहला जो प्रश्न था वो था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो अभी रिसेंटली यूएई और ओमान में हुआ, इसका जो फाइनल है किस देश ने जीता था? तो दोस्तों न्यूजीलैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने इस साल का T20 वर्ल्ड कप है जीत लिया है, और अगले साल ये जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा प्रश्न है कि दोस्तों रिसेंटली जो CISF है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है शील वर्धन सिंह। तो दोस्तों शील वर्धन सिंह है CISF के नए चेयरमैन बने हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रतिवर्ष जो 11 नवंबर है भारत में हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये किनका जन्मदिन होता है? तो दोस्तों ये भारत के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो है दोस्तों उनका बर्थडे होता है 11 नवंबर को। चौथा प्रश्न, भारत संविधान की पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो दोस्तों ये जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया है वो हमने लिया था USSR से। तो आप सबको पता है हम संविधान में दोस्तों हमारे संविधान को अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन या बॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो अलग अलग जो आइडियाज हैं अलग अलग कंट्री से लिए गए थे, तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये हमने ली थी USSR से, या फिर हम रशिया भी लिख देते हैं। फिर जो है पांचवा प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? तो जो स्टडी ऑफ बर्ड्स है दोस्तों उसको कहा जाता है ऑर्नोलॉजी, तो याद रखिए। फिर छठा प्रश्न,
31 अगस्त 2021 को किस देश में आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया था, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भारत में आज तक कभी नहीं लगी है, जो आर्टिकल 360 में डिफाइन है, अभी रिसेंटली दोस्तों हमारे पड़ोसी मिल श्रीलंका में है, उसे लगाया गया था। फिर सातवां जो प्रश्न है, सातवाहन काल, दोस्तों जब हम जो है हमारे एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर जो है सातवाहन जो डायनेस्टी थी तो वहां पर है किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो दोस्तों यहां पर जो है प्राकृत, जो है प्राकृत जो भाषा थी वो सातवाहन अपनी जो है राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में से यूज करते थे, प्राकृत। शायद आपने नाम सुना हो, अगर आपने एंशियंट इंडिया अच्छे से पढ़ा है तो जैनिज्म से जुड़ा काफी लिटरेचर भी प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ है। आठवां प्रश्न, मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री थे जो अटल बिहारी वाजपेयी के नामधीन बनी अटल टनल सुरंग हिमालय की किस श्रृंखला के ऊपर बनी है, तो दोस्तों हमें बताना है कि ये जो अटल टनल है वो हिमालय की किस जो है श्रृंखला के ऊपर बनी है, तो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला, तो हिमाचल से जुड़ा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला। नौवां प्रश्न, उत्तर पूर्व भारत है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है, तो दोस्तों जो सबसे मीठे पानी की जो झील है वो है मणिपुर में, जब हम नॉर्थ ईस्ट की यहां पर बात की गई है तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मणिपुर में है। दसवां प्रश्न, कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बना है, तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश है हमारा, देवभूमि जो है दालचीनी की संगठित खेती जो है जिसने शुरुआत की है। फिर ग्यारहवां प्रश्न भी हिमाचल से जुड़ा है, हिमाचल के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होता है, तो दोस्तों यहां पर जो प्रश्न है कि जो हिमाचल के यहां पर व्यापार की बात हुई है, हिमाचल की कुल जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत है, आप इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोल सकते हो, आप इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हो, तो उनका 10% है एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से आता है। बारहवां प्रश्न, 1984 में जैतून विकास परियोजना की जो शुरुआत है हिमाचल में किस देश की सहायता से हुई थी, तो जैतून की जो खेती है उसके विकास की परियोजना हमने हिमाचल ने इटली के सहयोग से है शुरुआत की थी। दोस्तों तेरहवां क्वेश्चन है, एगिरिक्स बायोस्पोरोस ये किसकी फिल्म है, तो ये दोस्तों जो है ये किसकी किस्म है, ये खुम्भ की किस्म है जिसका नाम है एगिरिक्स बायोस्पोरोस। चौदहवां प्रश्न, किस रियासत के शासक को सात धाराओं का स्वामी कहा जाता था, सात धाराओं का स्वामी कहा जाता था दोस्तों बिलासपुर के राजा को। और पंद्रहवां प्रश्न है कि किस जिले में सबसे कम गांव है, हिमाचल के दोस्तों कुल्लू में सबसे कम जो है गांव है, तो ये 15 प्रश्न थे इस जो है हफ्ते के जो हमारे गिरिराज न्यूज़पेपर में से दोस्तों है इंक्लूड किए हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी के सभी और स्पेशली हिमाचल से जुड़े प्रश्नों को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों फिर आगे शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार जो चाहूंगा कि जो सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आज 10-15 मिनट कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से क्लास लेट हो गई और दोस्तों जो है आपने इंतजार किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे एक दो पूछ रहे थे कि सर आज मेंस के जो है करंट्स नहीं आए, तो बच्चों मैं बता दूं आपको सभी को, कल भी मैंने बताया था कि हमारी जो टीम है करंट अफेयर्स की, तो उनमें से हमारे एक जो है बड़े ही दोस्तों इंटेलिजेंट टीचर थे, उनकी कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से परसों जो है डेथ हो गई थी, जिस वजह से थोड़ा सा दोस्तों है कुछ जो है हमारे जो है कंप्लीट नहीं हो पाए थे मेंस के करंट अफेयर, लेकिन हमारी कोशिश है कि दोस्तों आपको पूरी की पूरी जो सर्विसेज हैं बिना किसी रुकावट के दे सकें और दोस्तों आपको किसी तरह की जो कोई बाधा ना हो और आपकी जो है प्रेपरेशन है अच्छे से चल सके। तो दोस्तों आज के जो करंट अफेयर हैं पहले उनको मैं जो है पढ़ देता हूं, कौन कौन से करंट अफेयर हैं आज। सबसे पहला जो करंट अफेयर होगा वो क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी जो मूडी है, मूडी की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है उनसे जुड़े होंगे। दूसरा दोस्तों भारत का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो कुवैत है वहां पर नए प्रधानमंत्री, मतलब पहले जो 2019 में थे उन्हीं की रीअपॉइंटमेंट हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर इंडो फ्रांस जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी है फ्रांस में, उसके बारे में भी बात होगी। और दोस्तों कोविड का जो नया वेरिएंट है
उसकी बात करेंगे जो साउथ अफ्रीका में पाया गया है, जिस वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने अभी अपनी साउथ अफ्रीका से जुड़ी जो फ्लाइट्स हैं उनको रद्द कर दिया है। इसके अलावा हम ब्रिक्स की बात करेंगे, साइंस एंड टेक की जो है अभी रिसेंटली समिट हुई है, कल ही हमारे मिनिस्टर साहब ने उसमें जो दोस्तों डिजिटल हिस्सा लिया है जितेंद्र सिंह ने, और नीति आयोग का जो रिसेंटली इंडेक्स आया है दोस्तों उसमें बिहार झारखंड और यूपी सबसे गरीब जो कंट्रीज हैं पाए गए हैं, और केरला गोवा है दोस्तों जो है वहां पर काफी जो समृद्धि हुई है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों पहला जो है प्रश्न है पहले एमसीक्यू से पहले एक बार चाहूंगा कि दोस्तों जो है सभी स्टूडेंट्स जो आ चुके हैं सेशन को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों साथ ही साथ अपने इस सेशन को अपने इस चैनल को दोस्तों है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लिखने और दोस्तों उन बच्चों तक जिन तक है पर्याप्त जो है रिसोर्सेज नहीं होते वहां तक जरूर शेयर करें। और दोस्तों जो है मैं उम्मीद यही करूंगा कि जितना आप इसे जो है प्रमोट करेंगे जितना आप इसको आगे लेके जाएंगे उतनी ही ज्यादा है दोस्तों हमारे जो सेशंस हैं आपको जो है ज्यादा से ज्यादा भी होंगे, क्वालिटी कंटेंट भी होगा, और कोशिश रहेगी कि आपको अवसर बनाकर ही दोस्तों है हम जो है सांस लें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। पहला जो एमसीक्यू है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जुड़े मूडी, जो दोस्तों मूडी इन्वेस्टर सर्विस है, इसने भारत की इकोनॉमी है फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितनी है प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, इसने जो है अभी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है कितना दिया है। तो यहां पर जिन बच्चों को मूडीज का नहीं पता और उनको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं कि ये जो मूडी है मूडी जैसी और भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सीआरए बोल देते हैं दोस्तों, या वो स्टैंडर्ड एंड पुअर हो या फिर वो केयर हो या फिर वो इकरा हो, ये बड़ी सारी मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो अलग अलग देशों का अलग अलग कंपनियों का जो है एनालिसिस करती हैं, और उन एनालिसिस के ऊपर दोस्तों ये आने वाले सालों में उनकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है दोस्तों जो है बताती हैं। और इनकी महत्वता इतनी ज्यादा है कि इन एजेंसीज के जो एनालिसिस के ऊपर ही जो है दुनिया की अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं इन कंपनीज या नेशंस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है जो है बच्चों ने जो है बताया है और लगभग सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है 9.3%। और यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022 का मतलब है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 की यहां पर बात की है, और साथ ही साथ इन्होंने 2023 का भी बोला है 7.9%। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि भारत में ये जो इतना अच्छा क्रेडिट स्कोर है जो इतनी अच्छी रेटिंग्स इन्होंने इसलिए दी है हमारी जीडीपी की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, क्योंकि जिस तरह से भारत में वैक्सीनेशन हुआ है कोविड को लेकर 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और भारत की जो इकोनॉमी रिकवर हो रही है तो उसको लेकर ही जो है इतनी अच्छी है जो रेटिंग्स है भारत को मिली है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारत ने ये जो बढ़त बनाई है भारत ने ये जो वैक्सीनेशन 100 करोड़ जो है क्रॉस की है ये बढ़त है दोस्तों हम बना के रखेंगे और आने वाले दिनों में भी जो है अपना और अपने आसपास का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये जो हेल्थ फैक्टर है हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही बड़ा है दोस्तों असर डालता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, और इसके अलावा मैं बता दूं स्टूडेंट्स को मूडी कहां की है, मूडी इंटरनेशनल है यूएसए की है, और दोस्तों मूडी स्टैंडर्ड एंड पुअर इकरा केयर ये सारी की सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूसरा प्रश्न है पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ, पुलिस से जुड़ा हुआ हमें बताने कि इनमें से कौन सा पुलिस स्टेशन है जिनको रिसेंटली हमारी जो होम अफेयर्स ने जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन की जो लिस्ट दी है उनमें से टॉप का जो पुलिस स्टेशन है किसको का आकलन किया गया है। तो दोस्तों ये भट्टू कलां पुलिस स्टेशन है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन है, वालपोई पुलिस स्टेशन है या थोटियम पुलिस स्टेशन है। तो ये जो बेस्ट पुलिस स्टेशन की जब मैं बात करता हूं तो दोस्तों इनके पैरामीटर्स हैं कि वो पुलिस स्टेशन जो है डिजिटल कितना हो चुका है, वहां की जो है साफ सफाई कितनी ज्यादा अच्छी है, लोगों से जो है व्यवहार किस तरह से किया जाता है, ये सारे पैरामीटर्स हैं बेस्ट पुलिस स्टेशंस की है जो पैरामीटर्स है रखे गए थे। और लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी उन्होंने बेस्ट पुलिस स्टेशन के लिए है जो है कंसर्न डीजीपी को अवार्ड भी दिए हैं। और इसका जो सही उत्तर है जो सपना ने योगेंद्र ने आकृति ने लगभग आदि मानव जी ने बताया है
वो है बच्चों बी सरदार सदर बाजार पुलिस स्टेशन, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली का ये जो पुलिस स्टेशन है इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका आकलन किया गया है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जहां पर हम बात करते हैं दोस्तों पुलिस की, जो स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस तो है हमेशा एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर भारत के जितने भी राज्य हैं सभी की एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस थी, और डीजीपीज हैं यहाँ पर हैं लखनऊ की, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने गए हुए थे। फिर तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो जुड़ा है हमारे एक गल्फ कंट्री कुवैत से। तो कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री, हालांकि वो रीअपॉइंट हुए हैं 2019 में भी उन्हें ही चुना गया था, तो उनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनके जो नाम है शबा अल खलीद अल सबा बिन अब्दुल्ला अजीज, तीसरे हैं जबर अल मुबारक, और फोर्थ है नसीर अल मोहम्मद। तो इसमें से सही जो है प्रश्न का उत्तर कौन सा है? कुवैत के बारे में बता दूं, एक गल्फ कंट्री है, तेल की जो है दोस्तों बहुत सारे कुएं हैं, जिसकी वजह से जो इसकी रिचनेस, जो इसकी प्रोस्पेरिटी का जो है कारण है, और यहां पर भी राजशाही है, और यहाँ के जो राजा हैं, जो क्राउन है, जिनको जो है वहां की भाषा में अमीर कहा जाता है, तो उन्हीं की मर्जी के ऊपर जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। वहां पर कोई इलेक्शंस नहीं होते, कोई डेमोक्रेसी, कोई लोकतंत्र नहीं है। तो दोस्तों यहां पर जो रीअपॉइंट हुए हैं प्रधानमंत्री, और लगभग कुछ बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने है आंसर दे ही रहे हैं साथ साथ। तो दोस्तों इनका जो नाम है दैट इज द सभा हल खलीद अल सभा, तो सभा अल खलीद, और ये रीअपॉइंट हुए 2019 के बाद लगातार। और इनको जो जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अमीर कहा जाता है वहां के क्राउन को, तो अमीरी ऑर्डर, तो मतलब अमीर का मतलब वहां के क्राउन का है, ऑर्डर की वजह से इन्हें जो है रीअपॉइंट किया गया है। मैं नाम का जो है जिक्र एक बार फिर कर लेता हूं, सभा हल खलीद अल सभा, तो ये है वहां के दोबारा से जो है प्रधानमंत्री है जो बने हैं जी। तो दोस्तों तीसरा जो प्रश्न था, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे डिफेंस से जुड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले चाहूंगा जो नए स्टूडेंट्स, नए साथी जुड़े हैं, तो वो सारे के सारे एक बार लाइक जरूर कर दें सेशन को, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको जो है एनर्जी मिल रही है सेशन से। और दोस्तों इसको अपने सभी साथियों के साथ दोबारा से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो है शेयर जरूर कर दें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे है रीच बढ़ सके। तो फोर्थ है डिफेंस से, तो एक्स शक्ति 2021, तो ये एक आर्मी एक्सरसाइज है जो भारत ने है दोस्तों रिसेंटली की है, और ये भारत की किस देश के साथ है इस एक्सरसाइज को जो है रिसेंटली कंडक्ट किया गया है? तो जो है एक्स शक्ति 2021, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें सभी कंट्रीज के साथ दोस्तों जो है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो उनके नाम है मैंने दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर याद कर लिए होंगे, और इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट सही दे रहे हैं, चाहे वो केआर हो, कृति, नितिका, स्मृति, सपना, त्रिशा, देविका, नमन जी, तो रिम्पी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रांस। तो फ्रांस में जो है इस एक्सरसाइज को है रिसेंटली किया गया, और इसका जो मुख्य मकसद था वो यही था कि दोस्तों आने वाले वक्त में अगर जो है टेररिज्म है उससे जुड़ी घटनाओं को है जल्दी से काबू किया जा सके, और इसको दो फेसेस में है जो है इस एक्सरसाइज को, एक शक्ति को किया गया, जिसमें जो पहला फेज था वहां पर जो उसका मकसद था, एम था कॉम्बैट कंडीशनिंग, कि अलग अलग जो अगर परिस्थितियां आती हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। और अगर जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल देते हैं कि 26/11 कल मुंबई हम लोग की भी बरसी थी, तो मुंबई जैसे अगर हमले होते हैं तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी काबू किया जा सकता है? तो क्योंकि पिछले दिनों में फ्रांस में भी देखा है, और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं जहां पर बड़े सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इस एक्सरसाइज का नाम है एक्स शक्ति जो है एक्सरसाइज, जो भारत और फ्रांस में हुई थी। हमने कल भी डिफेंस से जुड़ा एक प्रश्न जो है पढ़ा था, जिसमें हमने जो है अपनी नई जो है दोस्तों AK-203 राइफल्स, और जो है सैटेलाइट का एक समझौता किया है रशिया से, जो कि जो है आने वाले भविष्य में भारत में जिसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी, अमेठी में जिसको बनाया जाएगा, जिससे एक तरफ मेक इन इंडिया बढ़ेगा, दूसरी तरफ हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए, जब आप बाद में खुद से पढ़ते हैं तो जो पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर हैं तो कोरलेट करते रहिए, ताकि हर वो क्वेश्चन, अगर आप डिफेंस पढ़ रहे हैं तो डिफेंस से जुड़े सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी से सारे जुड़े क्वेश्चंस आपके मन में एक बार रिवाइज जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा जो प्रश्न है
हाँ जी, तो पांचवा प्रश्न है कि ओमिक्रॉन तो ये जो टर्म है ये किससे जुड़ी हुई है, तो वेरिएंट ऑफ कोविड-19, या फिर यूक्रेन के मिसाइल, या फिर दोस्तों बैक्टीरिया है, या फिर मलेरियल इंफेक्शन है। तो ओमिक्रॉन, तो ये जो शब्द आया है दोस्तों नेल्सन मंडेला के देश से, जहां पर जो है मोहनदास करमचंद है दोस्तों, उसकी जो है महात्मा बनने की शुरुआत हुई थी। तो दो बड़े एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुका हूं। तो ओमिक्रॉन दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं, और ये जो ओमिक्रॉन है ये है क्या, लगभग जो है जो बच्चे जिन्होंने आंसर दिया है वो सही है, ये वेरिएंट है कोविड-19 का। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि जो कोविड-19 सार्स था उसी का ये वेरिएंट है, और यहां पर जो है दोस्तों नेटवर्क फॉर जेनोमिक सर्विलेंस इन साउथ अफ्रीका, ये जो एजेंसी है साउथ अफ्रीका की, उसने है ये जो सार्स कोविड-2 को है नाम दिया है दोस्तों, जिसका जो नाम हम पढ़ रहे हैं दैट इज द ओमिक्रॉन। और खास बात है कि कहा जा रहा है कि दोस्तों ये मल्टीपल स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है। इसका मतलब है कि ये जो कोविड का पहले जो है भारत में जो हमने देखा जो वेरिएंट था उससे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लगभग कहा जा रहा है कि 32 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो हमें जो है भविष्य में है इससे बच के भी रहना है। तो दोस्तों उससे भी ज्यादा जो कोशिश कीजिए कि आप अच्छा खाएं, आप सेहत अपने अपना कसरत करें, और दोस्तों जो है अपनी जो है जो अपनी जो हेल्थ के ऊपर काफी ध्यान दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सिर्फ हिमाचल ही नहीं, जो केसेस का जो बढ़ना है दोबारा से जो है पूरे भारत में शुरू हुआ है। हालांकि ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसी तरह क्योंकि जब पहले भी हमने देखा था सबसे पहले चाइना में इटली में ऐसा कुछ हुआ, और जो है तब हमने इतनी प्रिकॉशंस नहीं ली थी, लेकिन इस बार है हमें कोई गलती नहीं करनी है, और हमें अपना और अपने आसपास का ख्याल रखना है, क्योंकि आसपास का ख्याल रखा जाएगा तभी दोस्तों है हम इस कोविड से बच पाएंगे। तो इससे हमें बचना है। तो नाम क्या है इसका, नाम है ओमिक्रॉन, और साउथ अफ्रीका में इसके दोस्तों बहुत सारे जो केसेस हैं वो है पाए गए हैं। तो हाँ जी बहुत अच्छा जी, WHO ने है दोस्तों इसका नाम दिया है। हाँ जी बहुत ही अच्छा, और हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। पांचवा जो प्रश्न है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की जो 26 तारीख को कल जो साइंस एंड टेक समिट हुई उससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये पांच इमर्जिंग इकोनॉमीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और सिंगापुर हैं। और दूसरा इसकी जो पहली समिट है वो 2009 में रशिया में हुई थी। तो हम बताएंगे इनमें से कौन सा पॉइंट ठीक है कौन सा गलत है। तो यहां पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2009 में है जो है इसकी पहली समिट हुई थी। 2008 में दोस्तों जो है इसमें सिर्फ चार ही कंट्री थे, BRIC, ये जो S नाम का कंट्री है, ठीक है, तो ये 2009 में एड हुआ। हालांकि इससे पहले इसको रिक भी कहा करते थे, सिर्फ रशिया, इंडिया, चाइना था, बाद में ब्राजील आया, फिर साउथ अफ्रीका आया, और जब मैंने साउथ अफ्रीका का नाम ले ही लिया तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों इसका जो सही उत्तर है दे ही देंगे। तो दोस्तों 2009 में रशिया में हुई, और यहां पर सिंगापुर नहीं है, यहां पर है साउथ अफ्रीका। तो यहां पर इसका जो जो हम जिक्र इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जितेंद्र सिंह, हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं साइंस एंड टेक मिनिस्टर, इन्होंने भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया इस साइंस एंड टेक जो जो मैंने जो मिनिस्ट्री हुई दोस्तों। और क्योंकि भारत ने या भारत के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसे चेयर किया, इसको होस्ट किया, क्योंकि इस साल ऑफिशियली जो है ब्रिक्स का जो दोस्तों जो होस्ट कर रहे हैं वो भारत ही कर रहा है। तो फिजिकली तो ये समिट्स नहीं हो पाई, तो इस साल जो समिट है ये डिजिटल ही हुई थी। तो यहां पर मैं बता दूं इसकी समिट्स याद करना बहुत आसान है। तो दोस्तों इस साल अगर इंडिया हुई तो नाम वाइज अल्फाबेटिकली वाइज ये आगे बढ़ेंगी, तो फिर चाइना होगी, फिर साउथ अफ्रीका होगी, फिर ब्राजील, फिर रशिया, इस तरह से ये आगे होती रहेंगी। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है G7 इस साल लंदन हुई, G20 इस साल रोम हुई, एशियान इस साल ब्रूनी हुई, दोस्तों ब्रिक्स है हिंदुस्तान हुई, SCO है तजाकिस्तान हुई, इन सभी समिट्स के वेन्यूज हैं आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, तो एस मतलब साउथ अफ्रीका। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न हमारा जो है दोस्तों जुड़ा हुआ है नीति आयोग के मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। और जो है ये जो मल्टी डिमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, यहां पर मुझे लगता है कि हमारे जो प्रश्नों की जो जो गिनती है वो थोड़ी सी जो है खराब हुई है। ये सातवां प्रश्न है,
तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो रिसेंटली नीति आयोग ने आयोजित किया है, उन्होंने इसे रिलीज किया है, जिसमें तीन जो है पॉइंट्स हैं, हम बताएंगे कौन सा पॉइंट गलत है कौन सा ठीक। तो टॉप 5 पुअर स्टेट्स जो है, सबसे गरीब कंट्रीज में से सबसे ज्यादा गरीब है बिहार, फिर झारखंड है, यूपी है। दूसरा पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जो माल नूरिश्ड पीपल, मतलब जिनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत ज्यादा जो है खराब है, उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, तो जो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है फिर जो है बिहार में है ऐसे लोग। और तीसरा पॉइंट है कि झारखंड है उसमें सबसे ज्यादा जो है बच्चे हैं चाइल्ड एंड अडोल्ट एंड मोर्टेलिटी कैटेगरी, तो वहां पर जो बच्चे हैं स्पेशली 6 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, तो वहां पर उनकी हेल्थ सबसे जो वर्स्ट है वो झारखंड में है। तो हम बताएंगे कि इनमें से कौन से पॉइंट ठीक हैं कौन से गलत हैं। तो इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर है जी कि पहले दोनों पॉइंट्स ठीक हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट गलत है। तो जो दो पॉइंट ठीक हैं कौन से ठीक हैं कि अगर हम बात करें पुअर स्टेट्स में, तो सबसे जो पुअर स्टेट है वो है बिहार, याद रखिए कंक्लूजन है सबसे पुअर स्टेट बिहार है। दूसरा पॉइंट भी ठीक है कि सबसे ज्यादा जो माल नूरिश्ड पीपल हैं वो भी कहाँ है, बिहार में है। अब तीसरा है कि जो बच्चे हैं चाइल्ड एंड अडोल्सेंट जो मोर्टेलिटी कैटेगरी की जो जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं वहां पर जो है हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, तो वहां पर भी झारखंड नहीं दोस्तों, वहां पर भी अगर हम बात करें तो बिहार ही है। तो बिहार ही सबसे वर्स्ट स्टेट है। तो लगभग बहुत सारी कैटेगरीज में जो है बिहार है उसकी जो कंडीशंस हैं वर्स्ट है। यहाँ पर हम गरीबी रेखा की बात करते हैं तो सबसे कम गरीबी जो आंकी गई है, जहां पर जो लोग हैं अपनी बेसिक सहूलतों को है उनके पास अवेलेबल है, वो है केरला। और फिर दूसरा जो नंबर आता है गोवा है। तो केरला सबसे अच्छे जो है स्टेट्स में जहां पर सबसे कम गरीबी आंकी गई है और सबसे ज्यादा जो गरीबी है, सबसे ज्यादा जो माल न्यूरिश लोग हैं या बच्चों की जो हेल्थ कंडीशंस बहुत बुरी हैं, तो उनमें है जो बिहार है दोस्तों वो अव्वल नंबर के ऊपर आया है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे ये जो है हमारे जुड़े हुए हैं हमारे इस नीति आयोग के इंडेक्स से। तो दोस्तों इसके बाद का जो हमारा जो जो नीति आयोग के इस से जुड़ा हुआ है, हाँ जी, तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। सपना ने और साहिल ने बता भी दिया है कि दोस्तों जो है हम बात कर रहे थे चाइल्ड एंड अडोल्ट मोर्टेलिटी की, वहां पर बिहार की बजाय यूपी उसका सही आंसर है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये 7 प्रश्न थे बड़े इंपॉर्टेंट, और इसके बाद जो है हम एक बार रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के सारे हिमाचल से जुड़े जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। लेकिन उससे पहले दोस्तों आज के कुछ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी बता दूं हिमाचल से जुड़े हुए। हालांकि उसका एमसीक्यूज तो मैं नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा, वो मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में उसका ऑरली जरूर बता देता हूं। तो दोस्तों जो है यहाँ पर जो है दो जो प्रश्न है, एक तो जो खजियार है, खजियार में नेशनल एरोफेस्ट जो है दोस्तों 3 दिनों का हिमालयन नेशनल एरोफेस्ट 2021 है दोस्तों, उसकी शुरुआत है हो चुकी है, जो प्रदीप भारद्वाज ग्रुप ने है दोस्तों जो है शुरू किया है, जिसमें एयरफोर्स भी हिस्सा लेगी। तो नेशनल, अब कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि नेशनल यूरोफेस्ट जो है हिमाचल में किस शहर में हो रहा है, तो आपका जो उत्तर है वो होना चाहिए खजियार। हाँ जी, और संजय कुमार जी इनको किन बेसिस के ऊपर मीयर किया गया है, आप हमारी जो पूरी की पूरी जो वर्ड फाइल है जो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है उसको आप जरूर देख लीजिए। और जो दूसरा प्रश्न है वो है हमारी पैराग्लाइडिंग से, तो हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि बीर बिलिंग में उसे बंद किया जा रहा है आने वाले दिनों में। और दोस्तों सुजानपुर जो है हिमाचल का ये खूबसूरत शहर, सुजानपुर में बहुत सारी जो जो कोशिशें की जा रही हैं कि वहां पर है पैराग्लाइडिंग का नया साइट है क्रिएट किया जाएगा, एंड उसके लिए जो जमीन है वो दे दी गई है। तो दोस्तों सुजानपुर में है पैराग्लाइडिंग है वो होगी, आप याद रखिए। और नेशनल एरोफेस्ट जो 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 फंक्शन है ये जो पूरा का पूरा एरोफेस्ट जो नेशनल एरोफेस्ट जो होगा वो कहां पर होगा, खजियार में होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, और इस हफ्ते के जो जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल के वो भी मैं आपके सभी के साथ है एक बार शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों जो है जो, हाँ जी सपना बिल्कुल खजियार इन चंबा। तो सबसे जो पहला जो प्रश्न है कि जो स्मार्ट पॉलिसिंग सर्वे में जो है हिमाचल का रैंक कितना है, मैं उम्मीद करूंगा जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं पूरे हफ्ते मेरे साथ जुड़े ही होंगे, तो जल्दी से मुझे उत्तर आएंगे, और जब पहला उत्तर आ जाएगा तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाऊंगा। तो जल्दी से हिमाचल में है स्मार्ट पॉलिसिंग सर्वे में है हिमाचल का कौन सा रैंक था, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, पहला जो है बच्चा जो है उसका नाम है लिया जाएगा।
तो रिम्पी आप जो है केआर ने आंसर दे दिया है नोवा रैंक। हाँ जी, शिमला प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा, जल्दी से स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो जो है साहिल ठाकुर इस बार पहले नंबर पे आए हैं 1168 करोड़। हाँ जी, तो इंटरनेशनल फुटबॉलर जिनकी डेथ हुई है मंडी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए उनका नाम क्या है। और मंडी के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि वहां पर हिमाचल का दूसरा विश्वविद्यालय खोला जाएगा, और इसमें भी साहिल ठाकुर फर्स्ट आए हैं, देव मित्रा। हाँ जी, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, नेशनल आइस हॉकी वुमेन्स की कहाँ खेली जाएगी, इसमें ऑलरेडी जो है निगी जी ने आंसर दे चुके हैं, ये काजा में खेली जाएगी। एनएचएफ सेंटर है दोस्तों वो है किस सिटी हॉस्पिटल में खोला जाएगा, जल्दी से। हाँ जी, एनएचएफ नेशनल हेल्थ मिशन जो सेंटर है जो है हिमाचल के किस हॉस्पिटल के साथ मिलके है खोला जाएगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। इसमें जो है पहला जो उत्तर आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है दोस्तों, जो मैं उम्मीद करता हूं जल्दी ही पहला जो आंसर मिलेगा, मंडी। वेरी गुड, देविका ठाकुर। हाँ जी, फिर अगला क्वेश्चन, अमित राणा जी को जो मरीन कमांडो थे, अभी भी मरीन कमांडो हैं, उनको जो है कौन सा ऑनर है रिसेंटली दिया गया है, तो भारत का तीसरा जो है हाईएस्ट जो ब्रेवरी अवार्ड उन्हें दिया गया है, और केमिस्ट्री लर्निंग पॉइंट ने सही आंसर दिया है शौर्य चक्र। वेरी गुड दोस्तों, जाइका का फुल फॉर्म क्या है जो फंडिंग करेगा 321 करोड़ की हिमाचल में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के रिगार्डिंग। हाँ जी, जाइका का फुल फॉर्म, हाँ जी, जापान से जुड़ा हुआ है, तो जापानीज इंटरनेशनल, हाँ जी, कॉपरेटिव, ऐसा ही कुछ है, जल्दी से। साही ने आंसर तो दिया है लेकिन पूरा आंसर नहीं दे पाए, उम्मीद करता हूं जो जल्दी से कोई स्टूडेंट पूरा आंसर देगा। हाँ जी, जापानीज इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। वेरी गुड, केमिस्ट्री लर्निंग पॉइंट। अगला प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल का रैंक कितना है। हाँ जी, काफी बच्चों ने कहा था कि सर हमारा टेस्ट ले लेना, तो दोस्तों हर सैटरडे ऐसा हुआ करेगा, जल्दी से आंसर दीजिए। हिमाचल का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना है इस बार, बिजनेस करना कितना आसान हुआ है, रैंक इंप्रूव हुआ है, वैसे बता दूं आपको जो काफी। तो इसमें जो है पहला उत्तर आ रहा है, जल्दी से जो है मैं नाम लेना चाहता हूं, कोई स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं जल्दी से लिखेगा कि बिजनेस डूइंग इंडेक्स में इसका रैंक दीपिका ठाकुर ने बताया है, उसके पहले केआर ने 7वां रैंक। फिर मुख्यमंत्री एक बीघा जमीन का मुख्य मकसद क्या है। हाँ जी, सेशन को शेयर लाइक जरूर करते रहिए साथ ही साथ। वेरी गुड, नीलम कुमारी, वुमेन एम्पावरमेंट। वेरी गुड जी, हिमालयन रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर कौन है, जल्दी से। हिमालयन रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर कौन है जिनकी जो एनजीओ को जमुना लाल अवार्ड मिला है। हाँ जी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बार है हिमाचल से किसी को साइंस एंड टेक के फील्ड में कोई इनाम है दिया गया है, डॉक्टर लाल सिंह, साहिल ठाकुर। वेरी गुड, और आखिरी क्वेश्चन, रेणुका जो मेला है अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला है दोस्तों, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में है, हर साल की तरह उसकी शुरुआत है, मुख्यमंत्री साहब ने उसकी शुरुआत कर दी है, और ये जो मेला है इसका जो सबसे पहला जो उत्तर आ रहा है वो किस स्टूडेंट के द्वारा आ रहा है, उम्मीद करता हूं जो है अभिनव या आदिमानव, सपना या देविका, कौन आंसर देगा जल्दी से, रिम्पी नेगी। हाँ जी, तो पहला आंसर आ रहा है जो है देविका ठाकुर से सिरमौर में, तो बहुत अच्छा। और ये दो प्रश्न दोस्तों, नेशनल एरोफेस्ट है वो कहां पर होगा, खजियार में होगा, और जो पैराग्लाइडिंग है जो दोस्तों उसका नया साइट हिमाचल में कहां होगा, सुजानपुर में होगा। तो दोस्तों जो है ये थे आज का करंट अफेयर, और लास्ट का जो 1 मिनट आप सबको पता है मैं रिवाइज जरूर करता हूं दोस्तों, ताकि बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को है जो एक बार रिविजन जरूर मिल जाए। लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन, लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों इसको शेयर जरूर कर दें। लास्ट 1 मिनट अगर ये नहीं देखा तो दोस्तों पूरा सेशन लगाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, मूडी ने भारत की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए वो की है 9.3, और 2023 के लिए की है 7.9%। दूसरा प्रश्न, बेस्ट पुलिस स्टेशन है दोस्तों वो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। तीसरा प्रश्न था कि कुवैत के नए जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो होंगे सबा हल खलीफ। चौथा प्रश्न, एक्स शक्ति 2021 दोस्तों ये भारत और फ्रांस में जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, और ये रिसेंटली कहां पर हुई थी, ये फ्रांस में ही हुई है। फिर अगला प्रश्न, ओमिक्रॉन क्या है, ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है जिसको साउथ अफ्रीका में खोजा गया है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका से जाने वाली बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज ने हैं उनके ऊपर पाबंदी भी लगा दी है। और फिर हमारा जो ब्रिक्स का समिट है उससे जुड़ा हुआ है, साइंस एंड टेक का हमारे यहाँ समिट हुआ था डिजिटल वर्चुअल, जिसमें जितेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया, और 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो पहली समिट इसकी हुई थी रशिया में, जिसमें 5 कंट्रीज हैं, एस का मतलब साउथ अफ्रीका है। हाँ जी,
और फिर दोस्तों है जो जो सातवां प्रश्न था कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब कंट्री जो है देश है वो बिहार है। मालनूरिश पीपल भी सबसे ज्यादा बिहार में है, लेकिन चाइल्ड एंड अडोल्स एंड मोर्टेलिटी कैटेगरी में झारखंड जो है जो जो झारखंड नहीं यूपी सबसे जो वर्स्ट है। और इसके अलावा बहुत सारे हिमाचल से जुड़े प्रश्न। और दोस्तों ये सब सारा का सारा जो सेशन है जो है आपको उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। आज कुछ तकनीकी रीजंस की वजह से लेट जरूर हुआ सेशन, और उसकी वजह से दोस्तों हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स को है दिक्कत आई हो, काफी स्टूडेंट्स को इंतजार हुआ हो, क्योंकि शाम का समय है। बहुत सारे जो लड़कियां जो जुड़ती हैं उनको भी जल्दी से खत्म करके अपना किचन संभालना होता होगा, तो उन सभी से माफी चाहूंगा और आगे दोस्तों समय पे आने का वादा करता हूं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जिस एनर्जी के साथ इस हफ्ते हमने स्टडी की है उससे ज्यादा एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट वीक भी है दोस्तों है पढ़ाई करेंगे और अपना सपना है जो जो अफसर बनने का जो सपना है उसे पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।